नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर SIP हम क्यों करें, SIP किस तरह से करें और SIP करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और क्या SIP करने से कोई रिस्क नहीं है, क्या मेरा पैसा डूबेगा नहीं। ये सारे सवालों पे हम बात करने वाले हैं आज SIP पे। अब SIP होता क्या है ये हमने डिस्कस किया। SIP आप लमसम लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में या मंथली लगा सकते हैं। तो SIP का फुल फॉर्म क्या होता है? SIP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिक रूप से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं महीना। अब क्या आप इसमें 100 रुपया भी लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप 100 रुपया महीना भी लगा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी म्यूचुअल फंड नहीं लगा रहे हैं, SIP नहीं लगा रहे हैं। अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो इंडिया में मात्र 7% लोग इक्विटी मार्केट में हैं, जो बहुत ही कम डाटा है। हमारा इंडिया बहुत बड़ा है तो यहाँ ग्रोथ का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में टिके हुए हैं, RD, FD, LIC पॉलिसीज एक्सेट्रा। लोगों को वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, SIP में आने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आने की ज़रूरत है। अब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लोग किस तरह से कर पाएंगे, क्या ऑनलाइन हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, आप ऑनलाइन भी SIP कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आपको ऑनलाइन SIP हो जाएगी। अब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जो आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए। तो आपका KYC ऑनलाइन ही बन जाएगा। आप ऑनलाइन ही कोई भी डीमैट अकाउंट या नॉर्मल आप डायरेक्ट SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं कैम्स के जरिए। तो ये हुआ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप कितना लगा सकते हैं? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप 500 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जिस तरह से चाहें आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज, क्या SIP सेफ है, रिस्क नहीं है? तो इसका जवाब है रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। लेकिन आपको अगर टाइम देते हैं, 5 साल अगर आप टाइम देते हैं, 7 साल टाइम देते हैं, तो नो डाउट आपको बैंक FD से, LIC पॉलिसी से बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि SIP कहाँ पे करें? ऑनलाइन तो हम कर, ऑनलाइन मान लीजिए गए SIP अकाउंट खोल लिए, कहीं से भी अकाउंट, कोई भी ब्रोकिंग हाउस है या कहीं भी डायरेक्ट भी हम SIP करने के लिए अकाउंट खोल लिए। अब कौन सा SIP करें? तो इसका जवाब है, अगर आप न्यू कमर हैं, आप नए हैं, तो आप लार्ज कैप से इन्वेस्टमेंट चालू करिए। लार्ज कैप में क्या होगा कि रिस्क बहुत ही कम रहता है, वहाँ बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप चूँकि नए हैं तो आपको नए में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाए कि ठीक है, यहाँ से अच्छा रिटर्न आ रहा है, तब आप फिर मिड कैप में जाएँ। मिड कैप में वहाँ से लार्ज कैप से आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आएगा। लार्ज कैप में होता क्या है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, लार्ज कैप में बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, जैसे टाटा स्टील हुआ, जैसे टाटा मोटर हुआ। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट हुए लार्ज कैप में, तो वहाँ पैसा आपका डूबने का कोई चांस नहीं है। तो लार्ज कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप शुरुआती दौर में हैं। अगर आप थोड़ा से पुराने हो गए हैं, 1 साल के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तब आप फिर मिड कैप में जाएं। फिर मिड कैप में आप, बहुत सारे कंपनी हैं मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होगा,
वहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा देखने को मिलेगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा रिटर्न होता है। अगर लार्ज कैप का रिटर्न 15% है एक साल का, तो मिड कैप का एक साल का रिटर्न हो सकता है 20% हो। फिर आप और थोड़े पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप स्मॉल कैप में जाएँ। स्मॉल कैप में रिटर्न मिड कैप से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए लार्ज कैप में 15% मिल रहा है, मिड कैप में आपको 20% मिलेगा, तो स्मॉल कैप में हो सकता है 30% रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन भी बढ़ना चाहिए, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू किए थे 500 रुपये से, तो उसे बढ़ा के 1000 रुपये करिए, 1000 रुपये हो गया तो 2000 करिए, 2000 हो गया तो 3000 करिए, 4000 करिए, 5000 करिए। इस तरह से इन्वेस्टमेंट हर मंथ या हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करिए, तभी आपका कॉर्पस एक बड़ा कॉर्पस बनेगा। तो ये हुआ SIP कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको हम तरीका बता दिए, ऑनलाइन भी हो जाता है आजकल, बहुत ईजी प्रोसेस है। दूसरा चीज़, कितना से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 रुपये से भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा चीज़, क्या रिस्क फ्री है, तो हमने डिस्कस किया हाँ रिस्क है, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो रिस्क इसमें ना के बराबर है, बल्कि आपका FD, आपका LIC पॉलिसी, आपका पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रिटर्न होगा। तीसरा, कौन सा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, तो लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट अपना चालू करिए। अब लार्ज कैप में कौन सा कंपनी का म्यूचुअल फंड में लगाना ठीक रहेगा, तो हम रिकमेंड करेंगे कि जो बड़े कंपनी हैं पहले वहीं से स्टार्ट करिए आप। जैसे SBI ब्लू चिप फंड है, ICICI ब्लू चिप फंड है, आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू करिए। बड़े कंपनी है, HDFC का है लार्ज कैप फंड, वहाँ से स्टार्ट करिए, ये मार्केट का फ्रंट लाइनर है, तो आप यहाँ से पहले इन्वेस्टमेंट चालू करिए। दूसरा, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा मिड कैप में पैसा डालिए। आप मिड कैप में कहाँ डाल सकते हैं, ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड में डालिए, HDFC मिड कैप फंड में डालिए, SBI का मिड कैप फंड में डालिए। तो यह इस तरह का आप जो फ्रंट लाइनर है, पहले इसमें पैसा डालिए, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मेरा पैसा सेफ है। क्योंकि जो लेमैन है वो समझती है कि मेरा सबसे ज़्यादा पैसा सेफ SBI में, तो आप SBI से चालू करिए। दूसरा चीज़, अगर स्मॉल कैप में कौन सा फंड अच्छा है, तो ICICI का स्मॉल कैप है, HDFC का स्मॉल कैप है, SBI का स्मॉल कैप है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कॉन्फिडेंस मार्केट में लाइए, धीरे धीरे पैसा आपको यहीं बनेगा, पैसा दूसरे जगह नहीं बनेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप ज़मीन में लगाएंगे, ज़मीन में भी रिस्क होती है, यहाँ पर भी रिस्क है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन से भी कम रिस्क है, क्योंकि ज़मीन में आपका पैसा फंसने का डर है, पैसा फंस गया तो फिर निकलने का डर है, इस तरह का वहाँ पे भी रिस्क तो हर जगह है। तो आप रिस्क से नहीं डरना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्वेस्टमेंट को अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाना है, तब आपको SIP में फ़ायदा समझ में आएगा। तो उम्मीद है हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ब्रोकर के द्वारा कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 से, उसके बाद 1000-2000 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। प्लस कितना होरिजन होना चाहिए, तो होरिजन सभी म्यूचुअल फंड्स का कम से कम 5 साल आपको देना है या 7 साल देना है। 5 से 7 साल जब तक आप नहीं देंगे, रिटर्न आपको अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या SIP क्या हर समय निकाला जा सकता है, इसका जवाब है हाँ, आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या टैक्स बेनिफिट होती है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, टैक्स बेनिफिट होती है। अगर आप ELSS में लगाएंगे, आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप का अगर 1 साल के बाद आप निकालते हैं, तो 1 लाख तक का आपका प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना है। 1 लाख से ऊपर अगर प्रॉफिट होता है, तब आपको 10% टैक्स देना है। तो ये हुआ टैक्स का। अगर 1 लाख से 1 साल से पहले आप निकाल लेंगे, तो आपको 15% टैक्स देना है। तो ये डिस्कशन हुई टैक्स छूट के बारे में, कि टैक्स इसमें मिलेगा कि नहीं इक्विटी वाले में। तो हमने सारा कुछ डिस्कशन किया
SIP कैसे लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों सेफ है, कितना होरिजन होना चाहिए, ये सारे हमने डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।